नमस्कार, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं एशिया न्यूज इंडिया में। चलिए बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण 7 काफी पॉपुलर चैट शो है, जिसमें फिल्म निर्माता हर हफ्ते सितारों के साथ मजेदार बातचीत करते नजर आते हैं। हर हफ्ते कॉफी काउच पर अलग अलग सितारे आकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो चर्चा का विषय बन जाती है। हाल ही में शो को एक नया एपिसोड भी मिल चुका है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तन्मय भट्ट, कुशा कपिला, निहारिका एनन और दानिश सेठ नजर आए थे। एपिसोड के दौरान करण जौहर ने विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी को लेकर बात की थी। करण ने बताया कि उन्हें कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी में आमंत्रित नहीं होने के बाद शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने अनजाने में दोनों सितारों को मिलवाया था। इसके साथ ही करण ने लाइगर स्टार विजय देवरकोंडा की रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर भी बात की। दरअसल कॉफी विद करण में विजय देवरकोंडा की रिलेशनशिप को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे। ऐसे में कुशल कपिला ने पुष्पा फेम अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ विजय देवरकोंडा के रिश्ते की अफवाहों के संबंध में शो में किए गए कुछ वाक्यों की ओर इशारा किया। इस पर करण ने कहा, मैं जितना जानता हूँ उससे वह सिंगल है, आधिकारिक तौर पर वह सिंगल है। रश्मिका और विजय एक साथ गीता गोविंदम और डियर कमांड्रेट में काम कर चुके हैं। ऐसे में दोनों की डेटिंग की खबर सामने आती रहती है। बता दें कि शो के दौरान सारा अली खान ने विजय देवरकोंडा के साथ डेट पर जाने की बात कही थी। वहीं मजाकिया तौर पर जानवी और सारा के बीच विजय को लेकर बहस तक हो गई थी। इसके अलावा अब विजय अनन्या पांडे के साथ शो में आए थे, तो अनन्या ने बातों बातों में रश्मिका मंदाना संग विजय के रिश्ते का एक हिंट जरूर दिया था। हालांकि विजय देवरकोंडा ने अपने रिश्ते को लेकर कोई भी बात अभी तक नहीं की है। इस खबर में आज बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।